अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल होम ब्यूटी पार्लर और बेल के आइकन को प्रेस कर दें हमारे सारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू होम ब्यूटी पार्लर। दोस्तों, बढ़ती हुई उम्र में हमारे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जिनका जवाब हमें कहीं से नहीं मिल पाता है, भले वो हमारी बुक्स हो या फिर हमारे घर की एल्डर मेंबर हो, हमारे भाई बहन हो या हमारे फ्रेंड्स हो। क्योंकि पेरेंट्स तो शर्म की वजह से नहीं बोलते हैं और भाई बहन भी इस वजह से नहीं बोल पाते हैं, और फ्रेंड्स जो होते हैं वो हमारे एज ग्रुप के होते हैं तो उन्हें उतना नॉलेज नहीं होता है कि वो हमारे क्वेश्चंस के जवाब दे पाएँ, क्योंकि उनके मन के अंदर भी सेम क्वेश्चंस चल रहे होते हैं। तो ऐसे क्या क्वेश्चंस होते हैं जो कि बढ़ती हुई उम्र में हमारे दिमाग में आते हैं और जो हम किसी से पूछ भी नहीं पाते हैं, और एंड में आजकल चलो हम गूगल करके उनके आंसर्स तो देख लेते हैं, बाकी पहले के टाइम में तो हम गूगल भी नहीं कर पाते थे। तो ऐसे ही कुछ हमारी हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चंस मैं लेके आई हूँ आपके सामने, जिनके जवाब देकर मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि आप लोगों को इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप एक बहुत डिसेंट वीडियो देख के आपकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं। उसके अलावा ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी रहता है जिससे काफ़ी लोगों को एजुकेशन मिलती है। तो दोस्तों, इस एजुकेशन वीडियो का पर्पस यही है कि मैं आप सबकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकूँ। तो आज मैं लेके आई हूँ एक ऐसा ही एजुकेशन से रिलेटेड टॉपिक जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि हमारे प्राइवेट पार्ट्स में प्यूबिक हेयर क्यों होते हैं। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि हम ह्यूमंस हैं, भले हम मेल है या फीमेल है, बट हमारे अंदर हेयर्स की ग्रोथ होती है। मेल्स के अंदर वो हेयर ग्रोथ कुछ ज़्यादा देखी जाती है, बट हमारे प्राइवेट एरियाज़ में हेयर ग्रोथ होने की वजह क्या होती है। तो दोस्तों, ऐसे चार पांच चीज़ें या चार पांच रीजंस माने गए हैं जिस वजह से हमारे प्राइवेट एरिया में हेयर्स की ग्रोथ देखने को मिलती है। उसमें सबसे पहला रीज़न ये है दोस्तों कि हमारे प्राइवेट पार्ट में हेयर्स की ग्रोथ की वजह से ही हमारे प्राइवेट पार्ट्स में इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, भले वो मेल हो या फीमेल हो। इन हेयर ग्रोथ की वजह से हमारी बॉडी में अनवांटेड इन्फेक्शंस के चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं, कोई भी बैक्टीरिया वहाँ पे ग्रोथ नहीं कर पाता है। दूसरा सबसे ज़रूरी रीज़न ये है दोस्तों कि जैसा हम जानते हैं कि हमारे बॉडी के बाहर बहुत बार टेम्परेचर चेंज होता है, टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस देखने को मिलते हैं, भले वो टेम्परेचर रेज हो रहा हो या कम हो रहा हो। तो इन बदलते हुए टेम्परेचर्स में हमारे प्राइवेट पार्ट के टेम्परेचर को रेगुलेट करना बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है, और इन प्राइवेट पार्ट के टेम्परेचर को रेगुलेट करने में मदद करते हैं हमारे प्यूबिक हेयर। तो ये दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है जिस वजह से हमारे प्यूबिक हेयर हमारी बॉडी में मौजूद होते हैं। दोस्तों, तीसरा रीज़न जो माना गया है हमारे प्यूबिक हेयर की ग्रोथ का, वो है कि ये हमें फ्रिक्शन से बचाता है। हमारे प्राइवेट पार्ट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं दोस्तों, और इस वजह से चांसेस रहते हैं कि वो बहुत जल्दी डैमेज होने लगें। तो जब भी हम कोई एक्सरसाइज करते हैं या फिर हम इंटरकोर्स करते हैं तो उस दौरान हमारे बॉडी में हमारे प्राइवेट पार्ट पे फ्रिक्शन जनरेट होता है और इतनी ज़्यादा एनर्जी और हीट रिलीज होती है कि उस वक्त हमारी बॉडी को डैमेज होने के कि उस वक्त हमारे प्राइवेट पार्ट के डैमेज होने के चांसेस बढ़ने लगते हैं। तो उस डैमेज से बचाने के लिए भी हमारे बॉडी में प्यूबिक हेयर मौजूद होते हैं। दोस्तों, चौथा रीज़न जो कि हमारे प्यूबिक हेयर की मौजूदगी को दर्शाता है, वो ये है कि जब भी हम प्यूबर्टी को गेन करने लगते हैं, यानी कि हमारी रिप्रोडक्टिव स्टेज स्टार्ट होने लगती है, तो प्यूबिक हेयर भी इंडिकेटिव होता है। वो इंडिकेटर का काम करता है जो बताता है कि अब हम सेक्सुअली मैच्योर होना स्टार्ट हो गए हैं। तो ये चौथा सबसे ज़रूरी रीज़न है जो कि प्यूबिक हेयर की मौजूदगी को बताता है। दोस्तों, पाँचवा सबसे ज़रूरी रीज़न प्यूबिक हेयर के होने का ये है कि ये हमारी बॉडी से फेरोमोन्स हार्मोन रिलीज़ करते हैं। ये हार्मोन्स हमें किसी भी अपोजिट जेंडर की तरफ सेक्सुअली अट्रैक्ट करने के लिए ज़िम्मेदार होते हैं। तो ये हार्मोन्स भी रिलीज़ हो पाते हैं हमारे प्यूबिक हेयर की प्रेजेंस की वजह से। तो ये थे पांच इंपॉर्टेंट रीजंस जो कि ज़िम्मेदार होते हैं हमारे प्यूबिक हेयर की मौजूदगी के लिए। दोस्तों, प्यूबिक हेयर को रखना या रिमूव करना ये तो हमारी पर्सनल चॉइस होती है, बट अगर कोई चीज़ हमें नेचर से मिली है तो उसका कोई ना कोई पर्पस तो ज़रूर होता है। तो आज के इस वीडियो में आपको आपके जो भी डाउट्स थे उनका जवाब देखने को मिला है, और ये चीज़ें आगे आपकी
अपकमिंग जनरेशन में जो भी भाई हैं, बहन हैं या फ्रेंड्स हैं, उनको काफ़ी हेल्प करने वाली है। तो जिस तरीके से हमें कुछ गाइडलाइंस हमारी फैमिली से नहीं मिली, आई होप कि वो आने वाली जनरेशन में प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। तो दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें मेरा चैनल और बेल के आइकन को ज़रूर से प्रेस करिए। फॉलो करें हमें आज ही फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पे भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड